हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। गाइस, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अब भाई नया साल आ रहा है तो पढ़ाई दुगनी रफ्तार से, दुगनी स्पीड से और दुगने कंसंट्रेशन से होनी चाहिए, है ना। पढ़ाई में हमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम नए साल की पार्टी कर रहे हैं तो एकदम पढ़ाई को भूल जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमें पिछले साल की पूरी मेहनत है, उसको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना है, आउटपुट निकालना है। इसीलिए पढ़ाई अब की बार जो इस साल है वो जोरों शोरों से होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स लाइंड अप है। फरवरी से आप लोग के एग्जाम्स हैं, चाहे रेलवे के हो या SSC के हो। तो भाई सारे एजुकेटर्स आप लोग के साथ मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाई करवा रहे हैं दिन रात मेहनत करके। तो आप लोगों को भी पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग लगाकर इस बार पढ़ाई करनी है। और मैम तो आपके साथ है ही, तो रीजनिंग तो धमाकेदार तरीके से हम लोग पढ़ते ही हैं डेली डेली, और भी पढ़ेंगे। और भाई इस बार हमें सिलेक्शन पक्का लेना ही है। तो आई विश, मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है कि इस बार हम सभी लोग सिलेक्टेड होंगे, सिलेक्शन जरूर लेंगे। और विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ रहिए। और हाँ, बिल्कुल सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि जो भी चीजें हम लोगों ने लास्ट ईयर में देखी हैं तो उससे हमें बिल्कुल भी मुंह नहीं मोड़ना है, और लापरवाही थोड़ा सा नहीं करनी है। जो भी चीजें हमारे, जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के, वो तो हमें सारी फॉलो करनी ही है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये नया वर्ष जरूर मनाएंगे, और आशा करेंगे कि जो हमारा नया वर्ष है हमारे जीवन की सारी नेगेटिविटी को हटाकर एक पॉजिटिव थॉट हमें देगा, और हम लोग जो है अपनी पढ़ाई दुगनी रफ्तार से करके इस बार सिलेक्शन लेंगे। सो गाइज, एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर।